मांझी प्रखंड के घोरहट पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को जनसंवाद का आयोजन किया गया। जनसंवाद में पहुंचे सैकड़ों लोग, पंचायत प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। अलग अलग विभागों से जुड़े पदाधिकारियों ने लोगों के सवालों का जवाब दिया। मांझी के BDO रंजीत सिंह ने सड़क किनारे शौच करने वालों को हिदायत दी कि लोग पर्यावरण प्रदूषित करने से बाज आएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शौचालय से वंचित लोगों से शौचालय निर्माण की अपील की तथा शौचालय राशि का शीघ्र भुगतान का उन्होंने आश्वासन दिया। CEO धनंजय कुमार ने जमीन संबंधी विवाद के निपटारे के लिए लोगों से जनता दरबार में अपनी फरियाद रखने की अपील की ताकि समय से मामले का निष्पादन किया जा सके। मांझी CHC के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रोहित कुमार ने चिकित्सकों की कमी का हवाला दिया तथा दाऊदपुर तथा ताजपुर स्वास्थ्य केंद्र पर शीघ्र ही चिकित्सा पदाधिकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जनसंवाद कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार दास, CDPO पूजा रानी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी चूहन राम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पीयूष कुमार, PO फजल फरुल्ला, आपूर्ति पदाधिकारी नीरज कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी धमेंद्र कुमार यदुवंशी, सहकारिता पदाधिकारी कुमार रंजन, कृषि समन्वयक नंदलाल राम, परियोजना प्रबंधक ऋषिकेश कुमार राय तथा राजस्व पदाधिकारी सुश्री रोजी कुमारी ने लोगों के सवालों का जवाब दिया तथा योजनाओं का समुचित लाभ उठाने हेतु अनेक सरकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य प्रतिनिधि क्रमशः उदय शंकर सिंह, ध्रुवदेव गुप्ता, DN राम तथा सुमन प्रसाद सहित अनेक गणमान्य लोग व ग्रामीण आदि मौजूद थे। जनसंवाद कार्यक्रम का संचालन स्थानीय मुख्यापति शैलेश्वर मिश्रा ने किया। मांझी से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, गोरहट पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, इस पर सर क्या कहना है? ये सरकार द्वारा जनता से संवाद करने का, वार्तालाप करने का योजना चालू की गई, जिसके प्रखंड का, जिला के सभी वरीय पदाधिकारी आते हैं, आम जनता से मिलकर उनको समस्या सुनते हैं, उनसे कोई भी समस्या हो लिखित मौखिक लेते हैं, उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जहां तक सक्सेस हो जाए। सरकार की मंशा क्या है अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया शुरू की गई है बहुत सराहनीय कार्य है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सर, ऐसा है कि स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय हर जगह बना है, इसके बावजूद भी सड़क पर जाने में लोगों को रोक आप जाता है, इसमें सर क्या कहना है? देखिए, लोग मानसिकता चेंज करना पड़ेगा ना, लोग मानसिकता चेंज करना पड़ेगा कि आप शौचालय का प्रयोग करें। ये सच्चाई बात है कि रोड पर जाने पर रोड लोग गंदा कर देते हैं, घर में शौचालय है लेकिन रोड पर जाएंगे लोग, ये मुस्कुरा है, ये उसी पैखाना पर मक्खी बांट के उनमें खाना बैठती है और खाते हैं। अब उन्हें खुद सोचना चाहिए कि मैं रोड पर लाइटिंग न करूं, शौच न करूं। उसके लिए हर जगह सामुदायिक शौचालय, अपने निजी शौचालय बना हुआ है, पूरे पंचायत में बना, पूरा प्रखंड में बना हुआ, जिधर जाइएगा सामुदायिक शौचालय के नाम है। थैंक यू। बोलिए सर। घोरहट पंचायत मुखिया प्रतिनिधि हैं, नाम घोरहट पंचायत। सर, आपके यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, इस पर सर क्या कहना है आपको? जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है, उसमें सारा प्रखंड का अफसर आया था, उनसे बातचीत हुआ, ये सब दिया है, कृषि भी दिया है, दिया सुध मिलता नहीं है, 2-3 साल का पुराना दिया मिलता है, उस पर भी चर्चा हुआ। आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी वो चर्चा हुआ, और क्या क्या इसमें मिलता है, कैसे कामयाब होता है, वही देखना है कि जनसंवाद होता है तो सही निकलता है या हवा में रहता है, तो सरकार बता दे। हम लोग अपना प्रयास करते हैं कि शौचालय बने, शौचालय। बहुत सारा महिलाएं भी कुछ कुछ कह रही थी, अपना दुखड़ा बता रही थी, उस पर सर क्या करना है? बहुत सब महिलाएं दुखड़ा बना रही थी आवास को, शौचालय को, सब कह रही थी, तो BDO साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुआ, समस्या का उधर से आवास योजना का भी प्रधानमंत्री योजना आएगा, उधर से मुख्यमंत्री योजना आएगा, उसके बाद कोई समस्या ही रहेगा। सर, सड़क पर इतना शौचालय लोग करता है, सर इस पर आपका क्या कहना है? शौचालय तो एक्चुअली स्वच्छता अभियान के तहत बनाया जा रहा है। शौचालय तो बना है, लेकिन कुछ औरतों का शौक है कि 1 लाख में जाके उधर बतियाने को मिल जाता है, बातचीत करने को मिलता है, कुछ उस पर रोक लगाना पड़ेगा। शौचालय तो बहुत बना है, ऐसा नहीं है कि जितना औरत जाती है रोड पर उस सबका शौचालय नहीं है, ये बात नहीं है। शौचालय घर में है, उसके बाद भी औरतों का वही आदत है कि रोड पर जाए। इस पर सर क्या कहना है आपको? इस पर जब
प्रखंड विकास अधिकारी कुछ सच कहोगे, कुछ आदेश निकालेंगे, कुछ एक दो कर्मी को भेजेंगे तो साथ में हम लोग भी सहयोग देंगे। क्या नाम पड़ी? हमारा नाम राम लखन जादव है। हमारा यही समस्या है कि हम बच्चे से 60 बरस का उम्र हो गया, आज तक ले ना नहर में पानी आया, 20 साल से हो गया। देखिए वो धान में एक चुरुआ पानी नहीं है, एक चुरुआ पानी नहीं है। वीडियो साहब कितना दिन से है, कितने वीडियो आए, कितने गए, मगर आज तक ले कोई वीडियो साहब का ध्यान उधर नहीं आकर्षित हुआ। और खाली पानी आएगा आएगा, कितना बार चोर लोग मोटर चोरा ले गया, बाकी कोई देखने वाला नहीं। यही से हमारा रिक्वेस्ट है वीडियो साहब से, तेजस्वी यादव नीतीश से, मोदी जी से जल्द हमारा नहर चालू किया जाए, नहीं तो हम लोग फिर खेत उसको बना देंगे। आखिर 50 किलो एक क्विंटल 2 क्विंटल ऑन होगा तो हम लोग को खाने को मिलेगा, पब्लिक को खाने को मिलेगा, जमीन पड़ती है, इसके लिए हम लोग अब बात होकर के नहर जोत देंगे और हम लोग एकदम उसमें अपना चास बना लेंगे। नहीं तो जल्द से जल्द पानी का व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हम लोग एकदम अब हम लोग 300 रुपये घंटा पंपीसेट से चलाते हैं और धान भी नहीं होता है, मक्का भी नहीं होता है, नहीं गेहूं हुआ। आइए देखिए सूखा पड़ा है कि नहीं, एक बूंद कहीं पानी में। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।